नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फूड चैनल निशाज ब्लॉग में। आज हम बनाएंगे एक स्ट्रीट फूड। जी हाँ, सबको बहुत पसंद है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनते हैं। मोमोज बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा गूंद कर रखेंगे। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ 1 कप मैदा। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, ये आप स्वाद अनुसार डालिए। मैंने आधा चम्मच डाला है यहाँ पर। इनको मिक्स कर देते हैं। अब हम पानी की हेल्प से इसको गूंथ लेते हैं। अच्छा, एक डो तैयार कर लेंगे हम। गूंद गया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो मैं इसे ढक देती हूँ। जब तक आटा सेट होता है, तब तक हम यहाँ मोमोज की स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ 1 बाउल पत्ता गोभी, जिसको ग्रेट कर लिया है। 1 बाउल लिया है गाजर, इसे भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। ये डालती हूँ मैं इसमें नमक, आधा छोटा चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमने आटे में भी नमक डाला है तो हम इसमें थोड़ा कम ही रखेंगे। ये लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लिया है चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच लिया है रेड चिली पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। और इसमें हम अदरक का तड़का लगाएंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तड़का लगाने के लिए यहाँ गैस पर मैंने एक तड़केदानी ले ली है। इसमें डालते हैं 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, मैंने ग्रेट कर लिया है। इसे हम अच्छे से ऑयल में भून लेते हैं। अब देखिए, ये अदरक अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे स्टफिंग में डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो इसे भी हम देख लेते हैं। अब इस पर मैं थोड़ी सी बूंदे ऑयल की डालूंगी ताकि ये हाथ पर चिपके नहीं। आटा बिल्कुल सेट हो गया है, इसे थोड़ा सा मथ लेते हैं। अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ और यहाँ हाथों की हेल्प से मैं अच्छे से इसको मथ लूंगी और फिर हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। सभी लोइयां बना ली हैं, अब हम इन्हें बेल लेते हैं। अब हम एक लोई को लेंगे और इसे बेलन की हेल्प से हम बेल रहे हैं। देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, तो यहाँ मैं 1 चम्मच भरकर स्टफिंग रख देती हूँ इसमें। मोमोज में आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं अपनी पसंद की। अब देखिए, मैं इसको शेप दे देती हूँ इस तरीके से। और इसे अच्छे से हम बंद कर देंगे। इसे ऐसे दबा कर हम घुमा देते हैं और फिर हम ऊपर से इसको प्रेस कर देंगे। इस तरीके की शेप देनी है। सभी बना लेते हैं हम बाकी भी। अब मैं यहाँ स्टीमर रख लेती हूँ और इसमें मैं डाल दूंगी पानी। ये आधा जग मैंने पानी का डाल दिया है इसमें। अब हम इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। पानी को रखे काफ़ी देर हो गई है, वो गर्म हो चुका है। अब हम स्टीमर को हल्का सा मैं ग्रीस करूंगी यहाँ पर ऑयल के साथ। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे, बस थोड़े से ऑयल से ही ग्रीस करना है। अब इसमें बनाए हुए मोमोज रख देते हैं। देखिए, मैं मोमोज रख रही हूँ। जितनी इसकी कैपेसिटी है उतने मैं इसमें मोमोज रख देती हूँ।
अब हम मोमोज को 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो इन्हें स्टीम होने देते हैं 15 मिनट। मोमोज को चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मोमोज बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। ये मैं एक एक करके इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मोमोज की प्लेट एकदम बनकर तैयार हो गई है। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी बने हैं। तो आप भी इन्हें आसानी से बना सकते हैं अपने घर पर। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने वेज मोमोज बना लिए हैं। अब आपको मोमोज खाने के लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। बहुत टेस्टी हमने आपको आज मोमोज बनाकर दिखाए हैं। तो मेरी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।